एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालाँकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक हो मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरासांत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है तिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों हैं नित्या मेनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मेनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है, और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द-गिर्द घूमते नजर आती है और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक हो मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरासंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है तिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो जाइए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए है। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है। इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत महात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भतरीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों हैं नित्या मेनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है। और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मेनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है, और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसांत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत महात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर अब बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूरी राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है, इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं, इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है, इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है, इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है, उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है, इसके जो कस्टम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा। आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है। और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक हो मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है, और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो जाइए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था, तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूरी राजा है, और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहां पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालाँकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरासंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत महात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है तिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों है नित्या मेनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मेनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही हो गए कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए है। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूरी राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द-गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक हो मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों हैं नित्या मेनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत महात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मेनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्रीराजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है, और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिजाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो जाइए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक हो मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरासंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, एमयू रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेंगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है तिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों हैं, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो जाइए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरु रखा गया था। और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी और बाकी जो रॉटन टोमेटोज़ है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए है। और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भद्रीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, M.U. रामास्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़ और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है। इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहां पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष, जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म थिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम, इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा 2 और अभिनेत्रियों है, नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन 2 अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत महात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिला चेकआउट ज़रूर करें। एक्टर धनुष की दोस्तों एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और साथ ही में अगर आप लोग भी इस फिल्म को दोस्तों देखने की सोच रहे हैं तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की फ़िल्म के बारे में। तो मूवी का दोस्तों नाम है थिरुचित्रम्बलम और इसका हिंदी में नाम थिरू रखा गया था, और ये मूवी 2022 में आई थी और इसके अंदर हमें रोमांस और म्यूजिक देखने को मिला था। हालांकि बहुत टाइम पहले ये जो मूवी है वो हिंदी में आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं। फिल्म दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी और इसकी जो IMDB थी वो 10/8 की थी, और बाकी जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर इसे 100% मिले हुए हैं, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लाइक मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 13 मिनट का है, जिनमें से लगभग आधे घंटे के इसमें गाने ही शामिल हो गए, क्योंकि अगर हम इसके सभी गाने कुछ शॉर्ट जो म्यूजिक को मिला लें तो 20 से लेकर 30 तक जो है इसके वो बन जाते हैं। तो यही वजह है कि इसका रन टाइम जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हुआ होगा, वरना ये मूवी एक्चुअल में लगभग 2.5 घंटे की आप मान सकते हैं। तो फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे डायरेक्ट किया है मिथरन आर जवाहर ने, जो कि अगर आप फिल्में देखते होगे साउथ की तो इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने साउथ में पहले भी कुछ कमाल की मूवीज़ बना रखी है। जो एक्टर धनुष है इनके साथ इन्होंने कुछ मूवीज़ बनाई है जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया रही है। इसके अलावा इनकी एक मूवी जो है वो धनुष के साथ पहले ही बनी हुई है जो बहुत ही बढ़िया रही थी, जिसका नाम कुट्टी था। तो वो भी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी, आप चाहे तो उसे भी जो है वो दोस्तों देख सकते हैं, वो भी आपको पसंद आएंगी। खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो रन टाइम इसका 2 घंटे 13 मिनट का है। लीड कास्ट में आपको धनुष, नित्या मैनन, राशि खन्ना, प्रिया भवानी शंकर, भतरीजा, प्रकाश राज, संट सिल्वा, अरसंत निशा, श्री राजनी, रेवाथी, मुंशीकांत, जोहन महेंद्रन, उमेश कौशिक, वीजी पप्पू, MU रामस्वामी, विक्रम राजा, ऐसे बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड जायंट्स मूवीज़, और जो एन ग्रैंड इंटरनेशनल है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ पर आपको म्यूजिक अनिरुद्ध का देखने को मिलता है जो बहुत ही गजब का है, और एकदम परफेक्ट मैच भी होता है इस मूवी के लिए। खैर बात करते हैं कि फिल्म हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इस मूवी को देखने की सोच रहे हैं तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग इसे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन बाकी अन्य 4 भाषा के साथ ये फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिलेंगी। अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं दोस्तों तो अभी तक ये मूवी टीवी पर नहीं आई है, इसके लिए आपको जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो का ही सहारा लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मूवी है वो आपको मिलेगी। फिल्म की रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप वहाँ पर जाकर देखते हैं तो दोस्तों एक सही ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और ये फिल्म दोस्तों दर्शकों ने काफ़ी पसंद की है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये मूवी दोस्तों आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे कि जो धनुष है वो रजनीकांत के दामाद ही है, और साउथ इंडियन फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष जिनका नाम वेंकटेश प्रभु कसूर राजा है। और 18 अगस्त 2022 को इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ कराया गया था। इस फिल्म में अभिनेता मुख्य किरदार जो रहता है धनुष का रहता है और अभिनेत्री यहाँ पर मुख्य किरदार में राशि खन्ना होती है। आपको बता दें कि जो फिल्म तिरुचित्रम्बलम है इन दोनों मुख्य किरदारों के ही इर्द गिर्द घूमते नजर आती है। और सुपरस्टार धनुष की जो फिल्म है थिरुचित्रम्बलम इनकी लव स्टोरी से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य किरदार राशि खन्ना के अलावा दो और अभिनेत्रियों हैं नित्या मैनन और प्रिया भवानी शंकर, वो भी आपको यहाँ पर लीड कास्ट में देखने को मिलते हैं। अब जो अभिनेता धनुष होते हैं इन तीनों ही अभिनेत्रियों के बीच में एक फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। और फिल्म जो है इनकी स्टोरी 2022 के अनुसार अभिनेत्री राशि खन्ना धनुष के कॉलेज फ्रेंड के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही होती है और धनुष को राशि खन्ना से इस फिल्म से प्रेम हो जाता है। तथा जो राशि खन्ना है इनके अलावा इन दो अभिनेत्री होती है उनसे भी प्रेम हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर अनुभवी जो प्रभावशाली अभिनेता है प्रकाश राज, इनका भी किरदार यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दिखाया गया है। यहाँ पर जो फिल्म है इसके जो कस्टम डिज़ाइनर थे वो काव्या श्रीराम है। इसके अलावा इस मूवी का जो बजट था वो कितना है अराउंड नहीं पता है, लेकिन हाँ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ पार हुआ था। इस मूवी की कहानी भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सब लोग हैं वो अगर मतलब एक ही बंदा है और वो 3 लड़कियों के साथ प्यार करता है तो फिर कुछ तो आगे होगा ही है। अब क्या दोस्तों होता है वे जानने के लिए आपको जो है वो फिल्म को ही देखना पड़ेगा, आपके जो जवाब है तभी मिलेंगे। तो चाहिए दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, वहाँ पर आप इस मूवी को जो है वो देखिए। आपको ये मूवी कैसी लगती है और कौन सा किरदार आपको सबसे अच्छा लगता है हमें बताइए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है आपको शायद धनुष की एक्टिंग जो होगी वो सबसे अच्छी लगेंगी। फिल्म में वैसे और भी बहुत सारे किरदार शामिल है जिनका काम बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इन मूवीज़ को आप चेकआउट ज़रूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि मूवी दोस्तों आपको जो है वो निराश नहीं करेंगी। इस मूवी की जो हिंदी डबिंग थी बहुत ही बढ़िया कराई गई है, जो कि सन नेटवर्क द्वारा कराई गई है और संकेत मात्रे का वॉइस ओवर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, तो टाइम मिले चेकआउट ज़रूर करें।